मानव इतिहास भरा है उपकरणों के निर्माण और मशीनों के आविष्कारों से। हर आविष्कार ने दी है एक नई दिशा और एक नया आकार हमारी सभ्यता को। इन आविष्कारों की बुनियाद है हमारी गणित की समझ और उससे जुड़े आकलन यानी कंप्यूटेशन का ज्ञान। लेकिन इससे पहले कि प्राचीन मानव संख्याओं की कल्पना भी करता, उसने गिनती के कई रोचक तरीके निकाल रखे थे, जैसे गिनती के लिए उंगलियों का इस्तेमाल करना। आज भी हम वर्ष के 31 दिनों वाले महीनों को याद करने के लिए उंगलियों के जोड़ का उपयोग करते हैं। शरीर के अंगों के अलावा अन्य बुनियादी उपकरणों का भी प्रयोग किया जाता था, जैसे कि टैली स्टिक्स। हर टैली स्टिक वस्तुओं को गिनने के लिए एक नियम को परिभाषित करती है, जैसे निशानों द्वारा मिलान करने के लिए चिन्ह बनाना। टैली स्टिक याद रखने का एक सरल और कारगर साधन था। इस पर आधारित उपकरण सबसे पहले आकलन यंत्रों में से एक है। ISHANGO बोन ऐसा ही एक प्राचीन उपकरण था जो लगभग 18 से 20 हजार ईसा पूर्व के आसपास इस्तेमाल किया जाता था। आज भी ऐसे कई प्राचीन तकनीक बहुत लोकप्रिय हैं, जैसे कि जपमाला। जपमाला का प्रयोग हिंदू, सिख और बौद्ध धर्मों के लोगों द्वारा जप के लिए किया जाता है। इनमें 108 मोती होते हैं 108 बार जप करने के लिए, लेकिन कुछ मालाएं 27 मोती की भी होती हैं, जिन्हें 4 बार फेरने से आप 108 बार का जप कर सकते हैं। मुसलमानों के मिसबाह और ईसाइयों की रोजरी भी इसी प्राचीन तकनीक को इस्तेमाल करती है। कितनी मजेदार बात है, हम इन प्राचीन तकनीकों का उपयोग आज भी करते हैं, जिनका आविष्कार सैकड़ों और हजारों वर्षों पहले हुआ था। अगली बार हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन गिनती अंक प्रणालियों में विकसित हुई, जो अंततः आधुनिक कंप्यूटिंग की नींव बनी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स द्वारा जरूर बताएं।